संख्याओं का हमारे जीवन में काफी महत्व है। संख्याएं ना होती तो हमें वजन ऊंचाई के बारे में कैसे पता चलता, गर्मी है या ठंडी, ये टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंसेस, लेंथ, प्रॉफिट लॉस इत्यादि में संख्याओं का बहुत योगदान है। आज हम संख्याओं यानी नंबर्स के बारे में थोड़ी और गहराई में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह बता दें कि हम जिन भी संख्याओं की चर्चा करेंगे ये सभी वास्तविकता में मौजूद हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं होती हैं तो क्या काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उन संख्याओं के बारे में हम बाद में सीखेंगे। वास्तविक संख्याओं को जब हम रेखा पर दर्शाते हैं तो इस रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं यानी रियल नंबर्स लाइन। एक्चुअली वास्तविक संख्या रेखा की मदद से संख्याओं के बारे में सीखना काफी आसान होता है। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर लाइन। यह एक सीधी रेखा है जिसके मिडल में जीरो है। जीरो के राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स हैं। ये सभी संख्याएं जो भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं हैं, बल्कि पूर्ण हैं, इन्हें पूर्णांक या अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। शून्य से दाहिनी ओर की संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों, धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। और अगर धनात्मक पूर्णांकों में शून्य का समावेश करें तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा वह होगी पूर्ण संख्याओं की श्रेणी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं को मिलाकर हमें मिलता है पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। धनात्मक पूर्णांकों को फिर से दो संख्याओं में वर्गीकृत किया गया है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं, पहला है एक और दूसरा है खुद वही संख्या। उदाहरण के तौर पर नंबर दो, जिसे केवल एक और खुद वही संख्या दो से ही विभाजित किया जा सकता है। उसी प्रकार नंबर तीन और पांच भी हैं, करेक्ट। तो नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह आगे भी अनगिनत संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिन्हें केवल एक और खुद वही संख्या से ही विभाजित किया जा सकता है और इसे हम अभाज्य संख्या की परिभाषा कहते हैं। तो अब आप ही बताइए कि भाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा हो सकती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह वह संख्या है जो कम से कम तीन या उससे भी अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, जैसे कि नंबर 4 जो 1, 2 और 4 से विभाजित होती है, वैसे ही नंबर 6 जो 4 संख्याओं से विभाजित होती है 1, 2, 3 एंड 6 से। संख्या एक ही ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही विभाजक है, इसलिए इसे भाज्य और अभाज्य दोनों में ही किसी भी कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। दोस्तों, किसी भी दो पूर्णांक संख्या के मध्य में कई अनगिनत संख्याएं हैं जो भिन्न और दशमलव के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में है 0.5 या कह सकते हैं कि 1/2। इसी प्रकार -2 और -3 के बीच में है -5/2 या कह लें कि -2.5। तो दोस्तों, इस प्रकार दशमलव के रूप में लिखी हुई संख्याओं को हम दशमलव संख्याएं या डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याओं को जिसमें अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं यानी रैशनल नंबर्स। किसी भी इंटीजर्स यानी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1 और इसी तरह हर एक नंबर के लिए होगा, इसलिए पूर्णांक को भी परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, परंतु वह दशमलव प्रसार कब शांत आवर्ति और कब अशांत आवर्ति हो सकता है, जिसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। जैसे कि 3/2 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, यह आवर्ति 5 के बाद समाप्त हो जाती है, इसलिए इस दशमलव रूप को दशमलव प्रसार कब शांत आवर्ति कहते हैं। वहीं पर 1/3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव रूप होता है 0.333 एंड सो ऑन।
जो प्रसार कभी खत्म नहीं होता है और दशमलव के बाद के नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। ऐसे रूप को दशमलव प्रसार कब अशांत आवर्ती कहते हैं। दशमलव के रूप में कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनका प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है और ना ही संख्याएं रिपीट होती हैं। ऐसी दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि रूट टू। इसका दशमलव रूप ना तो समाप्त होता है और ना ही रिपीट, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि रूट टू को भी हम रूट टू अपॉन वन लिख सकते हैं और फिर यह भी परिमेय संख्या होगी। तो एक बार जरा परिमेय संख्या की परिभाषा फिर से देख लेते हैं। तो भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याओं को जिसमें अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं देखी वो या तो परिमेय हैं या अपरिमेय, और ये सभी संख्याएं वास्तव में मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल भी कई गणितीय संकल्पनाओं में होता है। इसलिए इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।